Welcome back to my new video. Guys, absolutely fine. आज हम लोग जा रहे हैं शादी में. पापा के खास दोस्त हैं, उनके कजिन की अगर शादी है, वो है प्रॉपर हम लोग के होम टाउन से ही, तो इसीलिए हम लोग से उतना बॉन्ड बना हुआ है. पहले भी हम लोग घर पे शादी में गए थे लोग, वो था लोनावला में. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा. फरवरी में था ना? हाँ, फरवरी में था. और अभी हम लोग फिर जा रहे हैं उनके घर पे शादी में, तो उस समय भी मिल के बहुत अच्छा लगा था उन लोगों से. फिर से मिलने का मौका मिला हम लोगों को, तो उनको लग रहा था कि सारे घर वाले लोग हैं, मतलब सब कोई है यहाँ पे, कि बस मैं और भैया ही हैं यहाँ पे पुणे में, और सब कोई गांव गया हुआ है, मतलब कि होम टाउन गए होती वो. तो आदित्य बिरला हॉस्पिटल है, उन लोग का ही सोसाइटी बना हुआ है, तो वहीं पे सारा इंतजाम वगैरह दिखाएंगे, तो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ जो भी है. आ गए लोग, मस्त इंतजाम वगैरह मस्त यहाँ पे, और सबसे मिले लोग, फिर उसके बाद अभी वीडियो बना रहे हैं. अभी मिलते ही साथ राजेश सर, हम लोग से जैसे ही मिले तुरंत पगड़ी वगड़ी बनवाए हैं. राजेश जी से भी मिलवाएंगे. वीडियो में जिनका बार बार जिक्र हो रहा था, ये अपने राजेश जी. अभी आपने जिनसे मिला वो राजेश दुबे जी हैं, और उनके सिस्टर की बेटी की शादी है, शुभांगी दुबे नाम है उनका. इससे पहले जो लोनावला में शादी थी वो भी उनके बहन के बेटा का शादी था, मतलब जिनकी शादी लोनावला में हुई थी उनके सिस्टर की शादी अभी हो रही है. से मिले हम लोग सबसे मिलके, वही पहले वाली, फिर भाई भाई बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके. सब अपने गांव के हैं तो मतलब देख करके भी एक अलग तरह का इज्जत मिलता है. और वो जो होम टाउन वाला लैंग्वेज रहता है ना, उससे बहुत अपनी कनेक्ट रहता है. तो उस लैंग्वेज में जो अगर बात करते हैं कोई ना, या फिर उस टोन में जब कोई बात करता है ना, तो अपना वाला फील आता है कि यहाँ लगता है कि भाई अपन गाँव में ही है अपने. अभी धीरे धीरे दिखाएंगे लोग जो भी रहेगा. आदित्य बिरला हॉस्पिटल का ये रेसिडेंशियल एरिया है. यहाँ पे क्या है, जो भी वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ पे रहने के लिए फैसिलिटी वगैरह सब कुछ उस तरीके से दिया गया है. एक तरीके का सोसाइटी है, सबका इंतजाम यहीं पे है, और बारात भी आने वाला है अभी.
बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। अभी हम लोग निकल रहे घर के लिए, जा रहे हैं अभी घर, रात हो गया, अपने को जाना है कल ऑफिस, मुझे कल सुबह सुबह ऑफिस जाना रहता है। इंतजाम बहुत अच्छा था। अगर राजेश भाई की फैमिली या फिर कजन्स उनके फैमिली से भी कोई भी देख रहा है तो बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश भाई को बहुत बहुत शुक्रिया कि हम लोग को फिर से बुलाए और ये मौका दिए कि हम लोग फिर से मिल पाए सबसे, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। निकल रहे हैं घर के लिए, फिर मिलेंगे। ऐसा मोमेंट हुआ हम लोगों के साथ कि हम लोग बैठे हुए थे सर, एक कोई तो छोटा सा डॉगी लेके आया था, क्यूट सा डॉगी लेके आया था, उसको देख के तीन चार लड़के सब थे तरी टहल लेते, तो वो लोग थोड़ा खिलाया उसको, एक बंदा था बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था उसको उस डॉगी में, तो उसको खिलाया थोड़ा बहुत। तो अपने दोस्तों से कहता है कि मैं बड़ा हो गया ना ऐसा ही कर दूंगा, तो दूसरा दोस्त क्या बोलता है ना कि अच्छा मुझे लगा कि तू बड़ा होके ऐसे ही बनेगा। तो मैं जैसा बोला भाई वो थोड़ा सा वो, लेकिन वो ऐसा फ्लो में बोला ना मजा आया भाई, हंसी आ गया हम लोग को, जोर से हंस दिया भाई, खतरनाक बेइज्जती कर दिया उसका। खैर कुछ भी कहो मजा आया। अब हम जा रहे निकलते हैं घर के लिए, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।